उनके दिमाग में पहली बात थी, पहले ही सोच रखा था उन्होंने, इसलिए वे पूरी प्लान के साथ, पूरी खोज के साथ उनके पास हथियार थे, वे गांव में घुसे। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। भेज रहा हूं आपके पास। हमारे बच्चे जलाए गए, आग लगाई गई, पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस पहले से गांव में बहुत काफी थी, यदि पुलिस चाहती तो हमारे तक मान लो हमें मार नहीं सका था कोई भी। प्रशासन भी सारा इन्हीं के साथ था पूरा। जब मुझे मार रहे थे ना, और मारते मारते बोल रहे थे, बोल भीम की जाए, बोल लगा जाए भीम बोल लगा। मैं कहा भाई और क्या बोल लूँ, मारना पड़ता बोल। मैंने कहा भाई मार दे तो मुझे यार, तो भाई मुझे मार दे यार, मैं दूसरा का बाप का बन जाऊंगा क्या? नहीं बन सकता मैं बिल्कुल भी। तो ऐसे ऐसे नारे करवाए, लड़ बैठते यार, पुलिस भी ये देखो मेरी पिटाई, मेरी पुलिस की है पिछली तरफ से। बोलिए भाई वो ये पुलिस ने मारा है आपको? पुलिस की पिटाई है। ये कौन सा तारीख में मारा है? पाँच तारीख में है। और मेरी बीवी का वो हाल कर दिया जो जिंदगी में किसी ने नहीं करा, वो इन लोगों ने मेरी बीवी का हाल कराया। इन जालिमों ने भगवा बाणे ना, यो भगवा बाणा जिसे चोले में बैठे लाल पेड़े में, ये हम दलित लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं यहाँ से। आज हमें ख़त्म कर दें, कल को दूसरे गांव ख़त्म कर दें, हमारी बिल्कुल संतलत मिटानी चाह रहे हैं। हमारे महापुरुषों पर बाबा साहब जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति तोड़कर स्वमूत ने जैसा काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बिल्कुल धरती मिटाना चाह रहे हैं, हम तो बिल्कुल मारना चाह रहे हैं जो आरएसएस के आदमी प्रशासन द्वारा स्तर पर।